ऐसे फेक लोन जिससे अगर आपको लोन मिल जाता है तो पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा। आप लोगों के सामने मैं अपना मोबाइल पहले यहाँ पे शो करा देता हूँ। देखिए पूरे 30,000 का लोन अमाउंट मैंने फेक लोन ऐप से निकाले हैं। मेरा एक सब्सक्राइबर हमें यहाँ पे कमेंट कर कहता है कि सर फेक लोन ऐप से मैंने पैसे निकाले हैं, क्या मुझे पैसा का रिपेमेंट करना पड़ेगा, और इस तरह के और दो चार ऐप्स बताइए ना जिससे कि मैं पैसा निकाल लूँ। तो फ्रेंड देखिए फेक लोन ऐप्स का पूरा जो सिस्टम है उस सिस्टम को सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। अगर आप सच में किसी को लूटना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों को आपको लूटना पड़ेगा जो खुद फेक हो। तो देखिए प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जो रियल हैं और कुछ ऐसे हैं जो फेक हैं। अगर आप NBFC रजिस्टर कंपनी से लोन ले लेते हैं तो आपको पैसा का रिपेमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो सिविल स्कोर खराब होगा, एजेंट भी घर पर आ सकता है और साथ साथ लीगल एक्शन भी हो सकता है। लेकिन जस्ट उल्टा उसका, अगर आप फेक लोन ऐप से लोन लेंगे तो कोई भी पैसा का रिपेमेंट अगर आप नहीं भी करते हैं तो वो जो लोन कंपनी आपको कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आपको कैसे कर पहचानना है कि फेक लोन ऐप्स कौन सा है और कौन सा रियल ऐप्स लोन है। तो देखिए मैं आपको सीधा तरीका बताता हूं कि अगर आप लोन कंपनी से लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और वो कंपनी जो हमारा इंडिया का जो कंपनी है उस इंडिया का जो लोन कंपनी है, ठीक है, वो अगर भारत सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त कंपनी है तो फिर वो जो है रियल हो सकता है। लेकिन आप इस चीज़ को कैसे पता करेंगे, क्योंकि जितने भी ऐप्स अगर आप प्ले स्टोर के अबाउट सेक्शन पर जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पे आएगा कि भैया हमारा जो कंपनी है वो NBFC से रजिस्टर है। और गूगल ऐसे लोन ऐप्स को ही प्ले स्टोर पर रखता है जो कि लीगल होता है, लेकिन लीगल तरीका से लाइसेंस लेने के बाद फिर वो फेक तरीका से वर्क करता है। जैसे हाल में ही आपने देखा होगा एक न्यूज काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ कि फेक लोन ऐप से लोन लिया, उसके बाद पूरा परिवार ने अपना जो है जान दे दिया, यानी कि जान गवा दिया। तो फेक लोन जो है वो काफी ज्यादा हरासमेंट करता है, परेशान करता है, आपके जो मोबाइल डाटा है जो भी आपका डिटेल्स होता है उसको हैक कर लेता है। तो ये सब परेशानी आप लोगों के साथ ना हो इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और अंततः मैं आप लोगों को 5 ऐसे लोन ऐप्स भी बता दूंगा। अगर आपको जानकारी मिलने के बाद अगर आप ऐसे लोन ऐप से पैसा निकालना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रिक के साथ। ऐसा नहीं कि पर्सनल मोबाइल यूज करें, पर्सनल जो है अपना डॉक्यूमेंट्स यूज करें, पूरा तरीका बताऊंगा जो आखिरकार क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप फेक लोन ऐप से लोन लेने जा रहे हैं तो ऐसा ऐप्स जो कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, ITR फाइल, ये सारा डॉक्यूमेंट्स मांगता है, और ये डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं भी मांगता है तो आपका जो आधार वेरिफिकेशन होगा ना उसमें आपको डायरेक्ट जो अभी है आधार का जो वेबसाइट है उसमें आपको ऑनलाइन EKYC अगर करने के लिए बोल रहा है, यानी कि OTP के माध्यम से अगर वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है तो वो ऐप्स जो है वो रियल है, फेक नहीं है। लेकिन जस्ट उल्टा वहीं पर अगर कोई ऐसा ऐप है जो आपको कहता है सिर्फ आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटो देना है और आपको हम लोन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, तो ऐसे लोन ऐप्स कभी भी आपको ज्यादा लोन अमाउंट नहीं देता है, मिनिमम 3,000, 5,000, 10,000 तक ही देगा। लेकिन रियल लोन ऐप्स 20,000, 30,000, 50,000, 100,000 तक लोन प्रोवाइड करवाता है। तो यहां तक तो आप लोगों को समझ आ गया कि फेक लोन कौन सा है और उसमें क्या होता है। अब यहां पे देखिए अगर आप सच में फेक लोन ऐप से ही पैसा निकालना ही चाहते तो आपको क्या करना है। फेक लोन ऐप से पैसा निकालने के लिए सबसे पहले अपना जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको फेक बनाइए। आप जैसे कि आप किसी भी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन पर जैसे ही इंस्टॉल करते हैं ना आपका एक्सेस लिया जाता है, एक्सेस में आपका कॉन्टैक्ट, गैलरी, बहुत सारा एक्सेस आप लोगों से लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो आपका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह है उसको कॉपी कर लेते हैं, और बाद में जब मान लिया जाए कि आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं 5,000 का, तो आपको 5,000 का लोन मिलता है, उसमें से प्रोसेसिंग फी काफ़ी ज़्यादा कटेगा फेक लोन ऐप्स में, उसमें से कुछ आपका 60% या 70% ही आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होता है, और टाइम भी आपको लिमिट मिलता है, यानी कि आपको दिया जाएगा 1 सप्ताह के लिए, आपको दिया जाएगा 15 दिन के लिए, और डेली इंटरेस्ट लगेगा, और यहाँ पे आपको जो है EMI ज़्यादा दिन के लिए नहीं मिलेगा, एक ही दिन में आपको पूरा पेमेंट करना है। अगर आप 5,000 का लोन ले रहे हैं, 2,600 रुपये आपका बैंक अकाउंट या 3,000 ही आ रहा है, तो उसमें आपको जब रिपेमेंट करवाया जाएगा तो 5,000 के बदले में आपको 5,500, यानी कि बहुत ज़्यादा हायर इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये सब आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे अगर आपको लोन लेना है तो सबसे पहले नया मोबाइल फ़ोन यूज कीजिए, नया एकदम फ्रेश, उसमें से कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह जो भी है वो आपका रियल नहीं होना चाहिए, कोई भी उसमें गैलरी में फ़ोटो वगैरह जो पर्सनल फ़ोटो है उसको नहीं रखना है, ताकि अगर कंपनी एक्सेस भी ले ले तो कुछ खास जो रियल डॉक्यूमेंट्स है, रियल जो आपका डाटा है वो उसके पास नहीं पहुंच सके। ठीक है, अब यहाँ पे पर्सनल में आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड ही यूज करना है, जो भी आप है वही यूज कीजिए, बैंक अकाउंट यूज कीजिए, इससे कुछ ज़्यादा होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि आपको फेक ऐप्स के लोन के बारे में बताऊँगा
तो सिंपल सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि फेक लोन ऐप्स क्या क्या है अभी, जो कि मतलब जिससे आप पैसा लूट सकते हैं, निकाल सकते हैं। और ये खास बात है कि आपको तभी लेना है जब आपको पैसा का रिपेमेंट नहीं करना, ये भी याद रखिएगा। देखिए एक कंपनी है जो कि कह रहा है कि सिंपल आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको 5,000 से लेके 50,000 का लोन अमाउंट देंगे, ठीक है। और कोई भी डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या मांगा जा रहा है, यहाँ पे देखिए मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में कुछ कहा ही नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ कहा है कि आपको वैलिड अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर देना है और आपको लोन मिलेगा। अब ये लोन ऐप्स फेक हैं ये मैं कैसे जान रहा हूँ, देखिए इसके बारे में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अप्लाई लोन फॉर 9600 रुपीज़ टू एवरी इट इवन नॉट एक्सेप्ट बट अमाउंट नेवर कम इन टू माई अकाउंट। यानी कि 9600 का लोन अमाउंट अप्रूवल हुआ लेकिन इनके बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आया और इनका ऐप्स में लोन जो है एक्टिव बता रहा है, ये सब फेक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कमेंट, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारा मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ यहाँ पे कमेंट। यहाँ पे देखिए फेक आवर वेरी हार्ड अमाउंट चेंज इनटू नॉर्मल लोन, ये कह रहा है कि अदर जो लोन ऐप्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चार्ज ले रहा है। 3250 रुपये का लोन अप्रूवल हुआ, सिर्फ 2,000 ही बैंक अकाउंट के अंदर आए। इस प्रकार का बहुत सारा भरा है कमेंट, आप पढ़ेंगे ना थक जाएंगे, बहुत सारे यहाँ पे भरा हुआ है। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं नेगेटिव यहाँ पे लोग जो है इनको रिव्यू इनको दे रहे हैं, तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि ये जो लोन ऐप्स है एक प्रकार का फेक है, ठीक है। ऐप्स का नाम आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पे आ रहा है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं ऐसे ऐप से तो जानकारी रखिए कि आपको सब चीज़ नया यूज करना है, कोई भी पर्सनल चीज़ यूज नहीं करना है। और ऐसे लोन का पैसा अगर आप नहीं भी चुकाते तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। कर देना चाहिए 15 दिन का लोन, सिर्फ 7 दिन का टाइम। ऐसे लोन ऐप्स को प्ले स्टोर में क्या करना है, तो ऐसे ऐप जो है एक प्रकार का यहाँ पे इंडिया में जो लोग हैं, ठीक है, जो लोन ले रहे हैं उसको यहाँ पे एक प्रकार का लूटने का काम कर रहा है। और ऐसे ऐप से अगर आप लोन ले भी लेते हैं और पैसा नहीं भी चुकाते तो कुछ भी आपका होने जाने वाला नहीं है। यहाँ पे देखिए इजी रूपी, इसका यहाँ पे आप आउट सेक्शन पढ़िए। यहाँ पे देखिए जितने भी बता रहा हूँ ना सभी यहाँ पे इसी तरह का काम कर रहा है। यानी कि मिला जुला के अगर 7 दिन वाले लोन कंपनी है तो उससे आप लीजिए और यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट्स वगैरह यूज कीजिए। लोन का भी रिपेमेंट नहीं भी करेंगे तो कुछ खास आपका यहाँ पे प्रॉब्लम होगा नहीं, लेकिन अभी आपको हरासमेंट बहुत ज़्यादा करने वाला है, कॉल काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। तो लोन लीजिए, पैसा यूज कीजिए, मोबाइल बंद कीजिए और आराम से सो जाइए। उसके बाद ही ये लोन कंपनियों को समझ आएगा कि अब इंडिया वाले भी कितना ज़्यादा होशियार हो गए हैं। अगर उनको हम लोग उनका मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं तो कुछ ऐसे गुने चुने लोग भी हैं जो हमारे लोन कंपनियों का भी फ़ायदा उठा रहे हैं और हम लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब मज़े कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर यही इंफॉर्मेशन दिया मैंने आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। चलिए फ्रेंड मिलते किसी अगले वीडियो।